नमस्कार। आईटीआई यानी कि यूपी से अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई के फॉर्म भरें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। देखिए, आईटीआई का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जारी हो गया है। अगर आपने आईटीआई के रजिस्ट्रेशन किया है या एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप अपना रिजल्ट ज़रूर देखिए। ये खास तौर से आज टीआई वालों के लिए है। तो चलिए, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और आपको मैं बताऊँगा कौन सा आपको कॉलेज मिला है। ये आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको कैसे आना मैं ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने गूगल ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पे आपको गूगल में यहाँ SCVT UP टाइप कर देंगे। जैसे टाइप करेंगे तो आपको पहली लिंक मिलेगी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए राजकीय आईटीआई, ये गवर्नमेंट आईटीआई है, और ये निजी आईटीआई मतलब प्राइवेट आईटीआई है। अब आपको चूज करना है कि आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं या प्राइवेट से करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर रिजल्ट चेक करने के लिए आपको राजकीय आईटीआई पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये 23 तारीख तक लास्ट डेट है। आपको 23 तारीख तक कॉलेज में पहुंच को आपको सारा फॉर्म वॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जो भी डिटेल्स, जैसे आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो फॉर्म, उसके साथ से हाई स्कूल और आधार कार्ड पैन कार्ड जो आपके पास है, वो सब जाके स्कूल में जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक चेक करके बता देता हूँ उसमें क्या क्या दिखा रहा है, पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूँ उसमें। तो राजकीय आईटीआई परिसर लखनऊ अलीगंज के द्वारा ये रिलीज़ की गई है। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर गवर्नमेंट आईटीआई एडमिशन 2000। आप प्राइवेट में भी करा सकते हैं, सरकारी संस्था में भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। तो एक प्रवेश पत्र डाउनलोड करके दिखा देता हूँ उसमें आपको कौन कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। चलिए मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल, ये देखिए प्रथम चरण यानी बुलावा है, ये राजकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश JIC अलीगंज के द्वारा जारी किया। ये देखिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों संस्था में ये एडमिशन कराने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं SCVT 2022। यहाँ पे देखिए जो इनका ट्रेड है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड जो कोपा से इन्होंने भरा है, और ये जनरल और OBC से आती हैं। यहाँ के इनको जो कॉलेज मिला है आईटीआई का वो गोंडा का मिला है, और कोड भी मिला है 105। इनको 18 तारीख यानी आज से ही इनको 23 तारीख के बीच में जाके प्रथम एडमिशन करवा लेना है इनको गोंडा में। और चलिए मैं आपको यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं, देखिए ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप इसे प्रिंट भी ले सकते हैं। इनका नाम है, और ये इनका मोबाइल नंबर है, ये इनके पिताजी का नाम है, और ये देखिए इनका ये ग्रुप ए NCVT ट्रेड NCVT में इनका एडमिशन होगा, और ये उनकी रैंक है 191A। इनका देखिए आज ही जारी हुआ है 18 अगस्त 2022 को। अंतिम तिथि आपको 23 अगस्त तक एडमिशन आपको करवा ही लेना है कॉलेज में जाके। और कॉलेज में जाते समय आपको क्या क्या लेकर जाना है वो भी मैं बता देता हूँ। क्या बता रहे हैं महोदय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण यानी NCVT या SCVT 2022 से प्रारंभ होने वाले सत्र आपका चयन उपरोक्त अंकित स्थान में प्रवेश थी। यहाँ पे आपको क्या क्या लेने की जाना, देखिए 40 रुपये प्रतिमा आपकी फ़ीस लगेगी अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं। अगर आप SC ST हैं तो आपको बिल्कुल फ्री निशुल्क शिक्षा मिलेगी। यहाँ पे आप देखते हैं 300 रुपये सभी अभ्यर्थियों को प्रोसेस फ़ीस देना पड़ेगा, समय तक जमा कराना आवश्यक होगा। 300 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 23/8/2022 यानी कि लास्ट डेट है प्रथम चरण का एडमिशन का, 23 अगस्त 2022। और यहाँ पे अगर नहीं पहुँचते हैं तो आपका निरस्त माना जाएगा, आपके जगह पे किसी दूसरे को एडमिशन दे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा है, आपको संस्थान में प्रवेश करते समय अपग्रेडेशन प्रक्रिया में फ्रीज एवं फ्लॉट यानी कि आपको अपना स्कूल कॉलेज लॉक करवा देना है जाके, ताकि आपका सीट बुक हो जाएगा, कोई दूसरा आपके स्थान पर नहीं आ पाएगा। और यहाँ पर देखिए कोरोना वैश्विक महामारी, इसका प्रिंट आउट लेके आपको वहाँ पर जाना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पे दोस्तों देखिए बुलावा प्रथम चरण का कब है, और फ्रीज यानी कि आप अपना अकाउंट कैसे चुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी अपग्रेडेशन में भाग लेना लेने विकल्पों के लिए चुने गए विकल्प में सही का टिक, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं भाग तो टिक चुन सकते हैं, टिक लगाकर को टिक करना है और इसके अंदर हस्ताक्षर करना है जो आपका नाम है जहां पे आप सम्मिलित होने वाले हैं। यहां पे अगर नहीं जाना चाहते हैं अपग्रेडेशन के लिए तो आप यहाँ पर नो, और यहाँ भी हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया, ये इसका PDF लेके आपको जाना है वहाँ पर। में जाते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्था में प्रवेश करते समय प्रथम चरण यानी कि 18 आज से ही 23 अगस्त तक संपन्न होगा। समस्त प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित प्रवेश पत्र, जैसे आप पहले नंबर पर देख सकते हैं अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं TC एवं आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट जो जो इसमें दिया है वो लेके जाना। उसके बाद दूसरे नंबर पर देख सकते हैं समस्त जूनियर हाई स्कूल कक्षा 8 अपना अंक पत्र एवं शंका की दशा जिला विद्यालय निरीक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से
सत्यापित करा कर ही प्रवेश करेंगे, यानी कि आपको एक नोटरी बनवा लेनी है अगर आप 2-3 सालों का गैप है तो। उसके बाद से आपको तीसरे नंबर पर जैसे वरीयता, अगर आप स्वतंत्रता संग्रामी हैं तो आपको छूट मिलेगी स्कूल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्या बता रहा है, चौथे नंबर पे क्या बता रहा है, चौथे नंबर में कह रहा है कि आपको 300 रुपये प्रशिक्षण शुल्क एवं 40 रुपये प्रति माह की दर से आपको लिया गया अनुसूचित जात एवं जनजाति को छोड़कर 6 माह का अर्थात 240 रुपये आपको जमा करना होगा मतलब जब वहाँ पे जाएंगे आपको। और यहाँ पे देखिए घोषणा पत्र एक निर्धारित रूप प्रारूप पर होना चाहिए और चयनित प्रवेश पत्र के लिए दिए गए ऑनलाइन फॉर्म की फीस आपको मिलेगी वहीं से, और 3 फोटो आपको लेके जाना है पासपोर्ट साइज, तब आपका एडमिशन वहाँ पे सफलतापूर्वक माना जाएगा। आई होप फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करे तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 18 अगस्त से 23 अगस्त ये प्रथम चरण चलेगा, उसके बाद से 23 अगस्त के बाद दूसरे चरण का रिजल्ट जब आएगा तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे।